हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस मंडे वे टू सक्सेस। आई एम योगेश और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सक्सेस मंडे एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता कि हमारी तरफ से RRB NTPC, CGL, CHSL और FCI एग्जाम्स के लिए कॉमन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं और क्लासेस आपकी कंटिन्यू बेसिस में चल रही हैं। अगर आपने अभी तक इनको ज्वाइन नहीं किया और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको सक्सेस फंड को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन पर टैप करना होगा ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ जाओ। ओके, तो आज ही आपकी 14th क्लास है और इसमें हम आज मेडिवल हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पूरा करेंगे, वो आपका मराठा एम्पायर का। ठीक है, तो इस क्लास के साथ साथ आज आपका मेडिवल हिस्ट्री है जो मध्यकालीन इतिहास है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वन बाई वन हर टॉपिक को हमने कवर किया है। अगर किसी बच्चे ने पहले वाली क्लासेस को मिस किया है तो कंप्लीट एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जनरल स्टडी के नाम से, आप उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हर क्लास आपको मिल जाएगी। ओके, तो अगर वॉइस वीडियो सब क्लियर है तो एक बार बता दीजिए, किसी के साथ बफरिंग का इशू है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की तरफ। आज हम पहले बात करेंगे मराठा एम्पायर के फाउंडर की। ठीक है, तो इसके जो रियल संस्थापक हैं या फाउंडर हैं वो कौन है? शिवाजी। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, रियल फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर वॉज शिवाजी। अब बात करें शिवाजी का जो सेकंड नेम था, या फिर हम बात करें जिनको टाइटल मिला था या फिर उपाधि मिली थी, वो क्या थी? वो थी छत्रपति। ठीक है, लेकिन शिवाजी को किस नाम से भी जाना जाता था, कैसे जाना जाता था? उनको सेवियर ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के एक तरह से आप बोल सकते हो कि हिंदू धर्म के रक्षक भी उनको माना गया। ठीक है, रक्षक भी उनको माना गया। अब मराठा एम्पायर में जो शासक होते थे उनको छत्रपति की जो छत्रपति की उपाधि मिलती थी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि शाहजहाँ या फिर काफ़ी सारे टाइटल्स उनको मिले हैं, जैसे कि हमने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा था काफ़ी सारे टाइटल्स जो शासक थे उनको मिले थे, जैसे कि शाहजहाँ मिला है, अकबर है, वो उनके रियल नेम तो थे नहीं, जहांगीर है वो भी उनका रियल नेम नहीं था। ठीक है ना, जहांगीर का मतलब क्या था? विनर ऑफ द वर्ल्ड, और शाहजहाँ का मतलब क्या था? किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे मराठा एम्पायर के अंदर जो शासक होते थे, रूलर होते थे, राजा होते थे, उनको छत्रपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से? छत्रपति के नाम से जाना जाता था। अब बात करें इनके बर्थ की, तो इनका जन्म हुआ था 1627 में। ठीक है, 1627 AD में इनका जन्म हुआ और कहाँ पे हुआ था? फोर्ट ऑफ सिवनेर। ठीक है, सिवनेर के किले में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पे? पुणे के अंदर। ठीक है, पुणे के अंदर सिवनेर के किले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अगर कोई पूछे तो आपको टिक करना है शाहजी भोसले। अगर क्वेश्चन में आए कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था, तो उनका नाम था शाहजी भोसले। और बात करें माता का, तो माता के नाम से कई बार क्वेश्चन में आता है, तो माता को आपको टिक करना है जीजाबाई। ठीक है, माता का क्वेश्चन आपको टिक करना है जीजाबाई। और हम बात करें पॉलिटिकल मास्टर जो इनकी, तो पॉलिटिकल मास्टर लिख लीजिए, वो थे दादा कौनदेवा। ठीक है, दादा कौनदेवा इनके पॉलिटिकल मास्टर थे, जो कि राजनीतिक शिक्षक। हम बात करें स्पिरिचुअल मास्टर की, तो वो कौन थे? समर्थ रामदास। ठीक है, समर्थ रामदास इनके स्पिरिचुअल मास्टर रहे हैं। तो हम बात करें आगे समर्थ रामदास के बारे में, तो समर्थ रामदास ने काफ़ी फेमस टेक्स्ट लिखा जिसका नाम था देशबोध। ठीक है, देशबोध के नाम से इन्होंने कि काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ था वो लिखा था। किसने लिखा था? समर्थ रामदास ने। और समर्थ रामदास कौन थे? स्पिरिचुअल मास्टर थे किसके? शिवाजी के। ओके, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। शिवाजी मेड हिज कैपिटल रायगढ़। ठीक है, तो जो मराठा उसकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो कौन थी? कौन सी थी? वो थी रायगढ़। और रायगढ़ कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर रायगढ़ इनकी कैपिटल होती थी। शिवाजी एस्टेब्लाइज एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका नाम रखा गया अष्टप्रधान। ठीक है, एक मंत्रिपरिषद उन्होंने बनाया जिसको नाम दिया अष्टप्रधान का। और मिनिस्टर थे जो, वो कौन कौन थे? एक तो था पेशावर एस PM। ठीक है, जो पेशावर थे वो PM के मतलब प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। सर ए नौबत, वो आर्मी कमांडर का नाम, आर्मी कमांडर को क्या नाम दिया गया? वो था सर ए नौबत। एक था मजुमदार। ठीक है, एक मजुमदार जिसको फिनेंस मिनिस्टर का मतलब जो कि फिनेंस डिपार्टमेंट था वो कौन संभालता था? मजुमदार। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया? मजुमदार। एक था नया देश। ठीक है, नया आदेश यहाँ पे फोर्थ मंत्री थे यहाँ के इनके कैबिनेट के। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ टैक्स के बारे में, तो चार ही हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट हैं आपके। अब हम बात करते हैं जो इन्होंने टैक्स लगाया कौन कौन था। एक था चौथ टैक्स। ठीक है, मतलब कि जो प्रोडक्शन होता है उसका 1/4 एज ए टैक्स पे करना होता था। मान लीजिए अगर किसी के खेत में 100 किलोग्राम का प्रोडक्शन हुआ है तो उसका फोर्थ मतलब 1/4 ऑफ 100, तो मतलब कि 25 किलोग्राम एज ए टैक्स वो राजा को देना होता था। ठीक है, तो एक चौथ टैक्स इन्होंने लगाया। एक था सरदेशमुख। ठीक है,
सर दिस मुक टेक्स्ट मतलब था, ये टैक्स कैसा था, इसका 1/10 देना होता था, मतलब 100 किलोग्राम का 10 किलोग्राम एज ए टैक्स देना होता था। तो दोनों प्रोडक्शन पे टैक्स थे, एक चौथ और एक सरदेस मुख, ठीक है। अब हम बात करें इसके एम्पायर की, तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपना शासन जमा लिया था। उनकी डेथ होती है 1680 के अंदर, ठीक है। उनकी डेथ होती है कब, 1680 के अंदर, और उस समय उनकी उम्र क्या होती थी, 53 वर्ष की उम्र में 1680 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो शिवाजी के बाद अगर हम शासन पढ़ें, तो शिवाजी के बारे में पढ़ने के बाद जो थोड़ा सा आपको और जानना चाहिए इस एम्पायर के बारे में, तो शिवाजी के दो बेटे थे, ठीक है। बड़े का नाम था संभाजी और छोटे का नाम था राजा राम, ठीक है। बड़े का नाम क्या था, संभाजी, जिनका शासनकाल रहा 1680 से लेके 1689 तक का, मतलब 9 साल का इनका शासनकाल रहा। शिवाजी की डेथ होने के बाद बड़े बेटे को उत्तराधिकारी मान के गद्दी दी गई महाराष्ट्र की, और शिवाजी के जो छोटे बेटे थे उनका 1689 से लेके 1700 तक शासनकाल रहा, ठीक है। 9 साल का इनका रहा और लगभग 11 साल का इनका रहा था शासनकाल। बड़े बेटे का नाम था संभाजी और छोटे का राजा राम, ठीक है। अब संभाजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संभाजी की जो पत्नी थी वो थी येशुबाई, ठीक है। संभाजी की पत्नी का नाम क्या था, येशुबाई, और उनके बेटे का नाम था क्या था, साहू नाम था। और हम बात करते हैं अब राजा राम की, तो राजा राम की जो पत्नी थी वो थी ताराबाई, ठीक है। वो थी ताराबाई, और जो इनको मिला था वो जिंजी वाला अक्षत्र मिला था, ठीक है, जिंजी का अक्षत्र मिला था। अब इनके जो बेटे का नाम था वो था शिवाजी सेकंड, और शिवाजी सेकंड ने 1700 लेके 1789 तक लगभग 89 ईयर्स का यहाँ पे शासनकाल किया, किसने, शिवाजी द्वितीय ने, ठीक है। अब इन दोनों के बीच काफ़ी युद्ध था, दोनों के बीच काफ़ी एक तरह से कॉन्ट्रावर्सी थी, मतभेद थे कि शासन किसको करना, शासन वो करेगा तो शासन वो करेगा। अब क्या हुआ, जो एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, जिसको जाना जाता है वर्ना ट्रीटी के नाम से, वर्ण संधि के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा करवाई गई, ये करवाई गई बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। वो कौन थे, एक पेशवा, पेशवा कौन थे, पीएम थे इनके, ठीक है। पेशवा कौन होते थे इनके शासनकाल में, कौन होते थे, वो पीएम होते थे। जब जो आज पीएम का काम करते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से पीएम का जो कार्यभार है वो कौन संभालते थे, पेशवा उनको नाम दिया गया था, ठीक है। तो एक बालाजी विश्वनाथ थे, जिसको जो पेशवा थे इनके दरबार में, तो उसने एक वर्ण ट्रीटी मतलब एक वर्ण संधि करवाई, जिसमें से दोनों को अलग अलग शासन करने का एक तरह से फैसला लिया गया कि दोनों अलग अलग शासन करेंगे। तो उसका परिणाम क्या निकला, कि संभाजी को जो अक्षत्र मिला वो मिला सतारा वाला, ठीक है। संभाजी सतारा में शासन करेगा और राजा राम कहाँ पे करेगा, झिंझी के अंदर शासन करेगा, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग राज्य अगर आप कहो तो दे दिए गए, या फिर दोनों को अलग अलग अक्षत्र दिए गए कि वो वहाँ पे शासन करेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, अब आपको थोड़ा सा पढ़ना पेशावर पीरियड का, ठीक है। जो इनके यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे, पीएम रहे, उनका भी इस एम्पायर के दौरान पढ़ना है आपको। वहाँ पे भी काफ़ी शासन किए जो पेशावर थे, पीएम थे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं वो आपके चार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बालाजी विश्वनाथ है, जिसने 1713 से लेके 1720 AD तक, मतलब 7 साल का यहाँ पे शासनकाल रहा। अब इनके दरबार में जो पीएम थे, ठीक है, देखो बालाजी विश्वनाथ स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे पीएम थे, ठीक है। जब इन दोनों के बीच मतभेद चल रहा था, तो क्या हुआ, मतभेद खत्म होने के बाद दोनों को अलग अलग जगह दी, और बाद में इनका खुद का शासन आया वहाँ पे। अब बालाजी विश्वनाथ के दरबार में जो पीएम का जो काम करते थे वो थे बाजीराव फर्स्ट, ठीक है, बाजीराव फर्स्ट। अब बाजीराव फर्स्ट के वहाँ पे जो काम करते थे वो थे बालाजी बाजीराव, ठीक है। अब यहाँ पे जो पीएम थे वो थे माधव राव, ठीक है, माधव राव। तो इन चारों का शासनकाल रहा था इस एम्पायर के दौरान। तो चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और फिर आपका जो कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम 2 से 3 लाइन में इनके शासनकाल को डिस्कस करना चाहें, तो ही वॉज अपॉइंटेड एज ए पेशावा बाई साहू, ठीक है। साहू कौन थे, साहू थे संभाजी के बेटे, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, संभाजी के बेटे थे ये। और संभाजी कौन थे, शिवाजी के बेटे, ठीक है। शिवाजी के बेटे कौन थे, संभाजी, और इनके जो बेटे थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था साहू, ठीक है। तो साहू ने इनको 1713 AD में पेशावा के रूप में अपॉइंट किया, मतलब पीएम इनको बनाया, ठीक, ओके। ही वॉज द फर्स्ट पावरफुल पेशावा इन मराठास, पहले शक्तिशाली पेशावा थे, मतलब पेशावा कौन होते थे, पीएम, प्रधानमंत्री एक तरह से आप बोल सकते हो। तो पहले शक्तिशाली पीएम थे मराठास के अंदर, और इसी वजह से इन्होंने शासनकाल भी किया, शक्तिशाली थे तो ही तो वो गद्दी पे बैठ सके। तो इन हिस पीरियड द पोस्ट पेशेवा बिकम
हेरिडेटरी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनके शासनकाल में क्या हुआ, जो पीएम की जो पोस्ट है या फिर हम बात करें पेशावा की जो पोस्ट है वो वंशानुगत होगी। वंशानुगत का मतलब जो इनके बालाजी विश्वनाथ के बेटे हैं वो नेक्स्ट पेशावा बनेंगे और जो उनके बेटे हैं वो नेक्स्ट पेशावा बनेंगे। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे अब इनका जो ये पोस्ट थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी बन गई। ठीक है, अब इनकी डेथ हो जाती है 1720 AD में। 7 से 8 साल का शासन करने के बाद 1720 AD में यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर इनके बेटे आते हैं जिनका नाम था बाजीराव फर्स्ट। तो बाजीराव फर्स्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ही वॉज द सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ, सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं, बेटे हैं तो सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी हैं, इसीलिए यहाँ पे गद्दी पे बैठे। तो वो क्या थे, वो बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पेशावर ऑफ मराठा, सबसे महान जो पेशावर हुए मराठा के अंदर वो कौन हुए, बाजीराव फर्स्ट हुए। ठीक है, तो अगर बात आए कि हु इज द ग्रेटेस्ट पेशावर ऑफ मराठा, तो आपको टिक करना है बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, जिनका शासनकाल रहा 1720 से लेके 1740 AD का, लगभग 20 सालों का शासनकाल इन्होंने किया महाराष्ट्र के ऊपर। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सपेंशन था जो मराठा एम्पायर का वो बिल्कुल पीक पे, मतलब अपनी चोटी पे पहुंच गया। ही गॉट राइट ऑफ रिवेन्यू एंड टैक्सेशन इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया के अंदर रिवेन्यू का भी अधिकार इन्होंने पा लिया और साथ में जो कर था वो भी नॉर्थ इंडिया से ये वसूलना इन्होंने शुरू कर दिया और इनकी डेथ हो जाती है 1740 AD में। ओके, ठीक है, तो 1740 AD में इनकी डेथ हो जाती है। नॉर्थ इंडिया से इन्होंने टैक्स लिया, साथ में राइट ऑफ रिवेन्यू भी इन्होंने अपना ले लिया था। ठीक है, तो मराठा एम्पायर के सबसे जो ग्रेटेस्ट पेशावर रहे वो रहे बाजीराव फर्स्ट। तो इनके बारे में इतना ही आपको डिस्कस करना है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से नहीं बनते हैं। तो जो जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं उनको बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव कौन थे, वो बाजीराव फर्स्ट के बेटे होंगे क्योंकि ये जो पोस्ट थी वो अब वंशानुगत मतलब हेरिडेटरी बन चुकी थी। ठीक है, तो वो सन एंड सक्सेसर थे किसके, बाजीराव फर्स्ट के, जिनका शासनकाल रहा 1740 से लेके 1761 तक का। ओके, तो उनको साथ में जो सेकंड नाम दिया गया उनका वो था नाना साहेब, तो वो नाना साहेब के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, इन हिज पीरियड 1761 द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास। ठीक है, अब इनके शासनकाल में जो 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें क्या किया, अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया। ठीक है, तो मराठास की यहाँ पे हार हो गई और जो लास्ट रूलर थे, हम बात करें जो लास्ट पेशवा थे मराठास की, वो थे बाजीराव सेकंड। ठीक है, बाजीराव सेकंड यहाँ के लास्ट रूलर या फिर हम बात कर सकते हैं लास्ट पेशवा थे। उसके बारे में कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की नीड नहीं है, 1761 से लेकर 1772 तक उन्होंने शासनकाल किया था। ओके, ठीक है, ओके, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं मराठास के वार से। तो पहला जो मराठाओं का युद्ध हुआ एंग्लो मराठा वार, वो हुआ था 1775 to 82 में। ठीक है, 1775 to 82 में। और सेकंड जो हुआ वो हुआ 1802 या 3 अभी कंफर्म, जो काफ़ी सारे हिस्ट्रीन्स हैं इतिहासकार उनका कहना है 1802 में हुआ था, कुछ का कहना 1803 में हुआ था। ठीक है, तो 3 साल तक लगभग ये चला था, 1802 से अगर हम माने तो 4 साल और 1803 से अगर हम माने तो 6 तक। ठीक है, मतलब 3 साल तक का। तो एंग्लो मराठा वार हुआ, पहला हुआ 1775 से 1782 के बीच चला, दूसरा 1802 से लेके 6 तक चला, तीसरा जो हुआ वो 1816 से लेके 1818 तक चला। और दुर्भाग्य की बात यह रही मराठाओं के लिए कि हर युद्ध में काफ़ी बुरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया। ठीक है, काफ़ी बुरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया और 1818 में इन तीनों बैटल के बाद जो ब्रिटिश हैं उन्होंने पूरे मराठा एम्पायर को कैप्चर कर लिया, मतलब पूरे जितना भी मराठाओं का जो शासन था सत्ता थी उसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो 3 वार हुए थे एंग्लो मराठास के बीच, तीनों में मराठाओं की काफ़ी बुरे तरीके से हार हुई थी। और इसी के साथ ये जो आपकी क्लास है वो भी ख़त्म होती है और जो मेडिवल हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो भी आपका पूरा होता है। ओके, जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, क्लासेस आपकी RRB NTPC, साथ में अगर आप कहो कि जो ग्रुप डी की वैकेंसीज आई हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा CGL, CHSL और FCI एग्जाम्स के लिए आपकी क्लासेस कंटिन्यू हैं, रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, बैक टू बैक क्लासेस हैं। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको सक्सेस फंड को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन पर टैप करना होगा ताकि जैसे क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ जाओ। ओके,
तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। अगर किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट या कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और साथ में जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। ओके, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जैसा आप इजली पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगली अगली क्लास में। दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फेयरवेल वी सर, गुड लक, सक्सेस पॉइंट।